दोस्तों, आज मैं अपनी नाइट मैनेजर की सीरीज़ कंटिन्यू करूंगी और ये लास्ट पार्ट होगा। सीरीज़ का एंड अच्छा है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। फिफ्थ एपिसोड अभिमन्यु स्टार्ट होता है शान के नए नाम और पहचान के साथ, जब शैली ने उसको ब्रिज की जगह पर नया CEO बनाया था। इतनी पावर से शान कुछ भी कर सकता है, फिर भी वो बहुत लो बिहेव करता है शैली के साथ, ताकि उसकी नज़र शान पर ज़्यादा ना पड़े। शान के आने के बाद से शैली की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, पर वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। शैली की हर प्यारी चीज़ शान की होती जा रही थी। ब्रिज की लाख कोशिश के बाद भी वो शैली के सामने शान की सच्चाई नहीं ला पा रहा था, क्योंकि शान ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट किया था। ब्रिज एक लोकल बंदे को शान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को बोलता है। इधर लिपिका जीबी को ब्लैकमेल करके सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिकोड करा लेती है। उधर कावेरी और शैली की लड़ाई हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कावेरी अपने बेटे को शैली से छुपाकर हैदराबाद में रखती है, जिसको पालने के लिए वो शैली के अकाउंट से पैसे यूज़ करती है। जिसके बाद कावेरी रोते रोते शान के पास आ जाती है और शान उसे समझाता है कि तुम शैली से बहुत केयरफुल रहो और उसे जितना खुश रख सकती हो रखो, नहीं तो शैली कुछ भी कर सकता है। रेड के बाद से दानिश, सारंग और लिपिका चुपके से मिलते हैं एक दूसरे से और आपस में डिस्कस करके उन्हें ये पता चलता है कि इंद्रधनुष और कोई नहीं बल्कि रॉ का हेड ही है, जिस पर ये लोग सोचते हैं अब क्या किया जाए। फाइनली ये लोग सारी सच्चाई बताने होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, पर होम मिनिस्ट्री इनकी कोई मदद नहीं करती है। तभी वहाँ रॉ के हेड भी आ जाते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला था शैली से दूर रहो, पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। और वो बताते हैं कि शैली मेरे इशारों पर चलता है, केवल एक शर्त पर, कि वो देश के नुकसान को पहुंचाने वाली कोई भी डील नहीं करेगा। इस तरह का काम नेशनल सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है। जिस पर लिपिका कहती है, आपको क्या लगता है शैली मानेगा? अमेरिका को भी लादेन के लिए यही लगता था, पर आखिर फाइनली में हुआ क्या था ये सब जानते हैं। शान सबको डिनर पर ले जाता है, जहाँ ब्रिज बहुत ड्रामा करता है वेटर के साथ, जिस कारण शैली बीजे को दुबई की ट्रिप आने से साफ मना कर देता है। अब सब लोग बगदादी से बिजनेस डील के लिए दुबई निकलते हैं। कावेरी भी चलने को कहती है। दुबई के होटल में कावेरी और शान बहुत क्लोज आ जाते हैं और ये शान कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा था, वो जेन्युइनली कावेरी को काफ़ी पसंद करता है। इतने में जीबी भी दुबई आ जाता है, जिसे रिसीव करने खुद शैली और जैवू जाते हैं एयरपोर्ट, जहाँ शैली जीबी की हैंडराइटिंग मैच करके समझ जाता है कि जीबी ने ही लिपिका वाली लिस्ट को डिकोड किया था, जिससे शैली को बहुत गुस्सा आता है और वो पेन से जीबी को मार डालता है। वहाँ होटल में कावेरी शान की आवाज़ सुनने के लिए कॉल करती है, पर शान फ़ोन रख देता है। अगले दिन बगदादी शान के प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होते हैं और डील फाइनल हो जाती है। ये लोग माल चेक करते हैं और शैली उसे अपने स्टोरेज में भेज देता है, जिसके बारे में शान को कुछ नहीं पता है। उधर कॉल टैप करने से शारंग को पता चलता है कि शान का चक्कर चल रहा है कावेरी से, और वो शान से बात करने होटल आता है और बोलता है इस मिशन को ख़त्म किया जाता है। मगर शान इस मिशन के लिए इतना डेडिकेटेड है कि उनके मना करने के बाद भी वो सुनता नहीं है। यहाँ तक कि सारंग जिन आदमियों को लाया था शान को पकड़ने के लिए, शान उन्हें बुरी तरह मार कर सबके साथ निकल जाता है, शैली से ये बोलकर कि ये लोग हम पर नज़र रख रहे थे। और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 5। अब स्टार्ट होता है एपिसोड 6 मैजिक ट्रिक, जहाँ ये दिखाया जाता है कि शैली, शान और जैवू क्लाइंट्स को वेपन दिखाने की तैयारी करते हैं रुंगटा ऑयल फील्ड में, जो कि अरेबिया के रेगिस्तान के बीच में है। वेपन्स का शोकेस खतरनाक था, जो कि हर तरफ मौत का मंजर आराम से फैला सकता था। शान ये देखकर हिल जाता है और साथ ही साथ उसे ये समझ आता है कि शैली ये सब वॉर्स को कितना एंजॉय करता है। इन सब के बीच शैली सब पर शक करता है लिपिका को इन्फॉर्मेशन लीक करने की, यहाँ तक कि एजेंट के नाम के लिए शैली लिपिका का हमला भी कराया था, पर लिपिका बच निकलती है। शैली बाद में बीजे को भी वहाँ बुला लेता है। इधर शान सभी ट्रक्स के नंबर नोट कर लेता है, जिससे कि ये वेपन्स डिलीवर होने वाले थे क्लाइंट्स को। रात के अंधेरे में शान चुपके से लाइट्स की तार काट देता है और किसी का फ़ोन ढूंढने लगता है, ताकि वो ट्रक्स का नंबर लिपिका को भेज सके। उधर शैली कावेरी को थप्पड़ मारकर पूछता है कि बताओ, तुमने वो लिस्ट किसको दी थी?
जिस पर कावेरी बोलती है, मैंने फ़ोटो ली थी पता करने के लिए कि तुम क्या बिजनेस करते हो, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे डिलीट भी कर दिया था और बीजे ने भी फ़ोन को इधर उधर ना रखने को बोला था। इससे शैली का शक बीजे पर और बढ़ जाता है। तार काट के लौटते टाइम बीजे शान को देख लेता है, जिस कारण शान उसे मार डालता है ये बोलकर कि बीजे तार काट रहा था सिक्योरिटी ब्रेक करने के लिए। बीजे को मारने का प्लान शैली और कावेरी का पहले से था। अगले दिन शैली और शान के ऑयल फील्ड्स में घूमते टाइम वो मिलते हैं टेररिस्ट ग्रुप के लीडर से, जो कि बहुत ही ख़तरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। वो वॉर के लिए कोई कंट्री नहीं छोड़ते हैं। ये ग्रुप बेटर डील दे रहा था शैली को अभी के क्लाइंट से, और शैली पैसे के लिए अब रॉ को दिए प्रॉमिस को भी ब्रेक करने को तैयार है, क्योंकि ये क्लाइंट्स इंडिया को टारगेट करने वाले थे इस वेपन से। शान कोशिश करता है उसे रोकने की, पर शैली पैसे के नशे में चूर हो चुका है। उधर लिपिका को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो दानिश को बोलती है, पर उन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि इसे रोका कैसे जाए, जिस कारण उन्हें रोकने के लिए दानिश अपने अमेरिकन दोस्तों से बात करता है और वो उन ट्रक्स पर रेड मारते हैं। पर शैली जानता था कोई तो गड़बड़ फिर होगी, जिस कारण वो किसी को बिना बताए ट्रक्स पहले पहुंचवा देता है और रेड में अमेरिकन को कुछ नहीं मिलता है। फिर ये सब लोग ढाका के लिए निकल जाते हैं और वहीं सेम होटल में रुकते हैं जहाँ सफीना का मर्डर हुआ था। शान एकदम शॉक में चला जाता है पास्ट की, और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 6। अब स्टार्ट होता है फाइनल एपिसोड इमरती। ये होटल ही वो जगह थी जहाँ से शान की नफरत ने जन्म लिया था शैली के लिए। ये वही जगह थी जहाँ फ्रेडी रहमान और सफीना से वो पहली बार मिला था, और तब से उसकी लाइफ बहुत बदल गई थी। होटल के मैनेजर को शान इशारे से कुछ भी बोलने को मना करता है, पर फ्रेडी रहमान को लगता है कि वो शान से मिल चुका है। शान मैनेजर के फ़ोन से लिपिका को कॉल करके शैली की लोकेशन बताता है। रॉ हेड मित्र लिपिका से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहां वो शैली से ऑब्सेशन की वजह पूछता है, जिस पर लिपिका बोलती है 2013 में 156 बच्चों की जान ली गई थी एक जहरीली गैस से। तब तक शैली उस गैस में बिजनेस नहीं करता था, पर इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे से वो इस गैस में भी बिजनेस करने लगा था। उसे उन मौतों में भी फ़ायदा दिख रहा था। रॉ हेड लिपिका को 48 घंटे देते हैं ये बोलकर कि या तो तुम शैली के खिलाफ हार्ड कोर प्रूफ ले आओ, नहीं तो एजेंट का नाम बता दें। लिपिका मान जाती है और पहुंच जाती है ढाका शान से मिलने, जिस पर शान बोलता है शैली का माल ढाका के बाहर कहीं रखा है, पर उसे अभी तक उसकी लोकेशन नहीं पता चली है। लिपिका कावेरी के रूम में सर्विस वाले को भेजकर लॉकर का कोड पूछती है। कावेरी चुपके से देख लेती है लॉकर कोड और शान को बताती है कसिनो में। शान भी वो कोड तुरंत लिपिका को भेज देता है, और लिपिका रूम में जाकर लॉकर कोड में रखे अकाउंट स्कैनर वाले फ़ोन को डमी फ़ोन से चेंज कर देती है, ताकि अब कोई और ट्रांजैक्शन ना हो। कसिनो में शान फ्रेडी को बहुत पिलाता है, फिर होटल छोड़ने के बहाने उसके साथ जाता है और वहाँ सफीना की मौत का बदला ले लेता है उसे पानी में डुबोकर मारकर। फ्रेडी के फ़ोन से शान लोकेशन भी पता कर लेता है माल स्टोरेज की। शान उस लोकेशन पर जाता है रात में ही सब चीज़ चेक करने कि कोड इंडिया का है या नहीं, ताकि वो हार्ड कोर प्रूफ की तरह उसे यूज़ कर सके शैली के खिलाफ। शान वीडियो बनाकर भेज देता है लिपिका को, ताकि लिपिका वो आगे रॉ हेड को भेज सके। अगले दिन शैली को ब्रिज वाले लोकल एजेंट से पता चलता है कि शान ही वो एजेंट है। शैली शान और जैवू उस माल स्टोरेज वाली लोकेशन पर जाते हैं और शान को बहुत मारते हैं और बोलते हैं ढंग से बिहेव करने को टेररिस्ट लीडर के सामने। उधर शैली कावेरी को भी बहुत मरवाता है, क्योंकि वो जान गया था कावेरी उसे धोखा दे रही है और बिना उसकी मदद के शान ये ना कर पाता। पेमेंट के लिए शान का रेटिना नहीं मैच कर रहा था उस स्कैनर से, जिस कारण वो लोग शैली से अपना पैसा मांगने लगते हैं, क्योंकि वो स्कैनर तो डमी था। शान ने सारे फैक्ट्री के बॉम्ब्स में टाइमर लगा दिया था, ताकि सब वहीं ढाका के बाहर जलकर ख़त्म हो जाए। जिस पर शैली शान से पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। शान बोलता है वो हर चीज़ जो तुम्हें प्यारी है। शान बोलता है मैं ये पैसा लौटा दूंगा, ताकि तुम दोबारा कोई बिजनेस शुरू कर सको, पर उसके लिए तुम्हें कावेरी को छोड़ना होगा। अब ये सब वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बॉम्ब्स ब्लास्ट होने वाले हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना ख़तरनाक था कि इन लोग के दूर पहुँचने के बाद भी कार के शीशे टूट जा रहे थे। ये सब होटल पहुँचते हैं जहाँ शैली को अरेस्ट करने वाले सब आ चुके हैं।
पर शैली का ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जेल से नहीं आ सकता है बाहर। जिसके बाद लिपिका उस टेडेस ग्रुप को शैली को सौंप देती है, जिससे कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं शैली के साथ। शैली बहुत चिल्लाता है, मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। इसके बाद शान सेम रूम में जाता है जहाँ से सफ़ीना को फेंका गया था, जहाँ सफ़ीना उसे इमरती खाती दिखती है, क्योंकि मरने से पहले उसने शान को यही लाने को कहा था। और शान उस सुकून को महसूस करने लगता है और यहाँ ख़त्म होती है ये सीरीज़। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।